इस वीडियो में बेमेतरा जिला, दुर्ग जिला और बालोद जिले में नेशनल हाईवे, वहाँ की तहसील और प्रमुख स्थानों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दुर्ग संभाग में तहसीलों को देखते हैं। दुर्ग संभाग में 5 जिले हैं, कवर्धा, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद और राजनांदगांव जिला। कवर्धा जिले में 5 तहसील हैं, बेमेतरा जिले में भी 5 तहसील हैं, दुर्ग जिले में भी 5 तहसील हैं, वही बालोद में 6 तहसील और राजनांदगांव में 10 तहसील हैं। चलिए बेमेतरा जिला का अध्ययन करते हैं। बेमेतरा जिला में 5 तहसील हैं। पहला थान खमरिया, दूसरा नवागढ़, तीसरा बेमेतरा, चौथा बेरला और पांचवा साजा। ये है बेमेतरा जिला के 5 तहसील। बेमेतरा में चूना पत्थर और डोलोमाइट पाया जाता है। चूना पत्थर मटरा गोटा घोटवानी और बेमेतरा में पाया जाता है, वही डोलोमाइट कोदवा मोहभट्टा में पाया जाता है। नवागढ़ में खेड़ापति मंदिर है। नवागढ़ गोंड राजाओं का राजधानी हुआ करता था। बूचीपुर में माता महामाया का मंदिर है, यह है आपका खेड़ापति मंदिर। देवकर में घुघुस राजा मंदिर है। देवरबीजा में सीता मंदिर, सती मंदिर, सती स्तंभ और योगी दीप है। बेमेतरा जिला में चना व कपास का उत्पादन छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक होता है। छत्तीसगढ़ में चना व कपास के उत्पादन में बेमेतरा जिला का प्रथम स्थान है। सहसपुर में बजरंग बली का मंदिर है, जो राज्य सरकार द्वारा संरक्षित है। नाथघाट में गिधवा पंछी विहार है। यह है नाथघाट का गिधवा पंछी विहार। यह है बेमेतरा जिला के मुख्य स्थान। चलिए इन स्थानों को मैप की सहायता से याद करने की कोशिश करते हैं। आप इसे कॉपी में लिख लीजिए और मैप में ट्रेस करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है दोस्तों बेमेतरा जिला। बेमेतरा जिला में नेशनल हाईवे नंबर 30 कवर्धा से होते हुए बेमेतरा और बेमेतरा से होते हुए सिमगा को जाती है और सिमगा से होते हुए रायपुर को जाती है, नेशनल हाईवे नंबर 30। वही स्टेट हाईवे नंबर 7 धमधा से होते हुए बेमेतरा और बेमेतरा से नवागढ़ तक आती है, आपका स्टेट हाईवे नंबर 7। चलिए देखते हैं यहाँ के प्रमुख स्थानों को। यह है आपका थान खमरिया, यहाँ की तहसील। साजा भी तहसील है। नवागढ़, बूचीपुर और बेमेतरा, ये बेमेतरा की तहसील है। ये है दोस्तों सहसपुर, इसे याद करने की कोशिश करें। सहसपुर, ये है देवकर और ये है देवरबीजा। ये है नाथघाट, ये है बेरला, यह है घोटवानी, यहाँ है कोदवा और यहाँ है मोहभट्टा। तो ये है बेमेतरा के प्रमुख स्थान। चलिए अब अध्ययन करते हैं दुर्ग जिला के प्रमुख स्थानों को। दुर्ग में 5 तहसील हैं, धमधा, दुर्ग, पाटन, भिलाई और बोरी। भिलाई और बोरी को नया तहसील बनाया गया है। दुर्ग जिला में खनिज पाया जाता है चूना पत्थर। नंदनी खुंदनी चूना पत्थर का फेमस खदान है ये, नंदनी खुंदनी। जामुल, पत्थरिया, सेमरिया, अछोली, ये चूना पत्थर की खदानें हैं दुर्ग जिला में। दुर्ग जिला के जामुल में 1965 में ACC सीमेंट कंपनी की स्थापना की गई थी। अंजोरा में 2012 में कामधेनु विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। नगपुरा छत्तीसगढ़ का दर्शनीय स्थल है, उसका प्राचीन नाम परस नगर था। छत्तीसगढ़ के जैन धर्म के लोगों का प्रमुख तीर्थ स्थल है नगपुरा। नगपुरा में कलचुरी शासक जगत पाल सिंह के द्वारा जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी की प्रतिमा का स्थापना की गई थी। नगपुरा में पार्श्वनाथ जी का सबसे बड़ा जिनालय है। दोस्तों मंदिर को जैन धर्म में जिनालय कहा जाता है। यहाँ पार्श्वनाथ की, नगपुरा में पार्श्वनाथ की कुल 15 प्रतिमाएं स्थापित की गई है, इसलिए इसे पार्श्वनाथ तीर्थ स्थल के नाम से भी जाना जाता है। बोरई
दुर्ग जिला का औद्योगिक विकास केंद्र है। भिलाई में 1955 में भिलाई स्टील प्लांट BSP की स्थापना की गई थी और BSP में उत्पादन 1959 से प्रारंभ हो गई थी। वही भिलाई में नेहरू आर्ट गैलरी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अनुसंधान केंद्र भी भिलाई में ही है। छत्तीसगढ़ की इस्पात नगरी कहलाती है आपका भिलाई शहर। ये है दोस्तों नगपुरा का जैन मंदिर। कुम्हारी में धर्मजी मुरारजी केमिकल्स, इसे वर्तमान में चिदम्बरा केमिकल्स के नाम से जाना जाता है। ये आपका कुम्हारी में है। पाटन में आग तालाब है। पाटन को तालाबों की नगरी कहा जाता है। तालाबों का शहर रतनपुर कहलाता है, इसे ध्यान में रखिए। भिलाई स्टील प्लांट को चूना पत्थर की आपूर्ति नंदिनी खुंदनी से ही होती है, जो कि दुर्ग जिला में ही है। भिलाई को खेल नगरी भी कहा जाता है और इसे इस्पात नगरी भी कहते हैं। हॉकी खिलाड़ी सबा अंजुम, ये है दोस्तों सबा अंजुम। ये भारत महिला हॉकी टीम में कैप्टन भी रह चुकी है सबा अंजुम। भिलाई में है आपका मैत्री बाग। चरोदा में है काली माता का मंदिर। तो ये है दोस्तों दुर्ग जिला की प्रमुख स्थान। चलो इसे ट्रेस करने की कोशिश करते हैं मैप में। ये है दुर्ग जिला। दुर्ग जिला में नेशनल हाईवे नंबर 53 राजनांदगांव जिला से होते हुए अंजोरा, अंजोरा से होते हुए नगपुरा, आपको नगपुरा स्थान याद आ रहा होगा, नगपुरा से होते हुए बोरई, बोरई से होते हुए दुर्ग और दुर्ग से होते हुए भिलाई, भिलाई से चरोदा और चरोदा से कुम्हारी, कुम्हारी से होते हुए ये पहुंचता है आपका रायपुर। स्टेट हाईवे नंबर 7 गुंडरदेही जो कि बालोद में है, यहाँ से कुलगांव, कुलगांव से होते हुए दुर्ग, दुर्ग से जामुल, जामुल से नंदिनी खुंदनी होते हुए धमधा और धमधा से बेमेतरा और बेमेतरा से नवागढ़ को जाती है स्टेट हाईवे नंबर 7। यह दोस्तों धमधा, यहाँ की तहसील धमधा, दुर्ग, पाटन, भिलाई और बोरई, ये यहाँ की तहसीलें हैं। नंदिनी खुंदनी यहाँ का फेमस खदान है। जामुल, ये है दोस्तों जामुल, आप जगह को ट्रेस करते जाएंगे। ये है पुलगांव, यहाँ है सेमरिया और यहाँ है पत्थरिया और ये है आपका बाना बरद। इन जगहों को याद करने की कोशिश करेंगे। दुर्ग जिला में बस इतना ही। चलिए अब अध्ययन करते हैं बालोद जिला का। बालोद जिला में भी, बालोद जिला में 6 तहसील हैं। पहला गुंडरदेही, बालोद, डौंडी, डौंडी लोहारा, गुरूर और अर्जुंदा, अर्जुंदा को नया बनाया गया है। बालोद जिला में खनिज लौह अयस्क और क्वार्टजाइट पाया जाता है। लौह अयस्क दल्ली राजहरा और डौंडी लोहारा में पाया जाता है। क्वार्टजाइट दानी टोला में पाया जाता है। बालोद जिले में कपिलेश्वर तालाब है। सियादेही मंदिर है, ये है दोस्तों सियादेही का मंदिर। पुरातात्विक स्थान है किरचारी। खपरी में कुकुरदेव मंदिर है, इसे याद रखें कुकुरदेव मंदिर। झलमला में गंगा मैया का मंदिर है। करकाभाटा में माँ दंतेश्वरी सहकारी शक्कर कारखाना है। गुरूर में शिव मंदिर है। फर्रेझर आनाकोना, यहाँ त्र्यंबकेश्वर धाम है। फर्रेझर आनाकोना, यह दोस्तों बालोद जिला की प्रमुख स्थान है। चलो इसे ट्रेस करते हैं मैप में। यह दोस्तों बालोद जिला। बालोद में नेशनल हाईवे नंबर 30 धमतरी से पुसूर और पुसूर से नेशनल हाईवे नंबर 930 गुरूर और गुरूर से होते हुए बालोद और बालोद से ये पहुँचते हैं मानपुर जो कि राजनांदगांव जिला में है। पुसूर से नेशनल हाईवे नंबर 30 ये पहुँचते हैं आपका चारमा में। बालोद से स्टेट हाईवे नंबर 7 गुंडरदेही और गुंडरदेही से होते हुए पुलगांव जो कि दुर्ग में है। ये है आपका बालोद, यह है गुंडरदेही, गुरूर, पुसूर, यह दोस्तों अर्जुंदा यहाँ की तहसील, यह है चिरचारी, यह है खपरी और ये है झलमला। यहाँ है करकाभाटा, डौंडी, यह है डौंडी लोहारा और यह है दानी टोला। भानुप्रतापपुर से स्टेट हाईवे नंबर 7 दल्ली राजहरा होते हुए डौंडी लोहारा और डौंडी लोहारा से राजनांदगांव पहुँचती है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।